हेलो एवरीवन दिस इज मयूर माइकर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर क्लियरिंग सीएस एग्जीक्यूटिव व्हिच गॉट मी एन ऑल इंडिया रैंक 18 इन द जून 2022 थाउजेंड सेशंस फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम सो इन दिस वीडियो हम सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे आई विल गाइड यू थ्रू आउट लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड एंड आफ्टरवर्ड्स मतलब एग्जाम्स के पहले एकदम आप अभी फ्रेशली एंटर हुए हो तो भी आपके लिए होगा एंड इवन आफ्टर एग्जाम्स मतलब आपकी एग्ज़ाम्स होने के बाद तक आपको कैसा माइंड सेट रखना है वगैरह कैस किस टाइप की स्टडी करनी है ड्यूरिंग एग्जाम्स कैसे रहना है ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं कर पाया था बट आई बिलीव कि अगर मैं करता तो एवरी थिंग वुड हैव बिन इवन बेटर मतलब भले ही रैंक की बात नहीं चली कि रैंक हायर होगा लोअर होगा बट ये कहेंगे ना कि हम थोड़ी लाइफ बेटर हो जाती पढ़ने के लिए तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट और देखना आ, सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे फोकस करना डायरेक्टली वीडियो शुरू करते हैं तो हैविंग द राइट माइंड सेट एंड नोइंग योर वाई ये बहुत ज़रूरी है तो ये तीनों पॉइंट्स देखते हैं नोइंग द डिफ़िकल्टी आप ये जान लो अगर आप ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिव में हो आपको ये पता है तो थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो और एकदम नए नए हो तो पूरा देखना तो नोइंग द डिफ़िकल्टी आप सी एस ई टी अभी अभी पास हुए होंगे तो ये समझ लेना कि देर इज़ अूज गैप आप कुछ भी कंपेयर ही नहीं कर सकते हो एग्जीक्यूटिव का लेवल और ई का लेवल तो ये याद रखना डिफ़िकल्टी बहुत हार्ड होने वाली है अगर आप ये सोच के चलो ई हो टी कर लिया है, तो ये कर ही लेंगे ना फिर अंडरस्टैंडिंग योर ओन कैपेबिलिटीज अब आपको ये डिसाइड करना है आपको दोनों ग्रुप देने हैं या एक ही ग्रुप देना है ये सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अगर आप ये टाइम पे नहीं समझ पाए कि मेरी सिचुएशन मेरी फैमिली की सिचुएशन जहाँ पे मुझे काम भी करना पड़ रहा है ऐसा किसी का हो सकता है या फिर अलग अलग टाइप की आपकी सिचुएशन हो सकती है उसमें अगर आपको उतना टाइम नहीं मिलने वाला स्टडी करने के लिए तो आप एक ही ग्रुप दो या अगर आपको टाइम बहुत है तो दोनों ग्रुप दो ये चूज करना है एंड हैविंग अ क्लियर वाई फॉर डूइंग इट आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए आप ये सीरियस क्यों कर रहे हो मतलब तो बस आप करना है इसलिए फैमिली ने बोल दिया ये नहीं होना चाहिए आपका क्लियर वाई होना चाहिए कि मुझे ये सर्टन सर्टन चीज़ चाहिए लाइफ में एट्सेट्रा कि एक दिमाग में होना चाहिए मुझे मेरे पेरेंट्स को लाइफ अच्छी देनी है वगैरह यहाँ तक अब ये डायरेक्टली स्टडी से रिलेटेड नहीं था बट आपको ये पता होना चाहिए अगर आपके पास एक वाय है ना कि आपको पता है कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है देन यू आर मोर डिटरमाइंड टू डू इट एंड ऐसा नहीं होता कि बीच रास्ते में आप छोड़ दोगे उस चीज़ को यू आर मोर डिटरमाइंड फॉर दैट तो पता रखो और चूज़ करो ग्रुप्स को नाउ मेकिंग अ फर्म डिसीजन अगला पॉइंट सेज फर्म डिसीजन मतलब आप ठान लो कि मुझे यही करना है तो अब आप देखो आपको चूज क्या करना है सेल्फ स्टडी या फिर लेक्चर या पार्टली दोनों अब आर्ट सब्जेक्ट है आपको डिसाइड करना है अलग अलग फैक्टर्स पे आपका फैमिली बजट देखना है आपकी सिचुएशन एक्सेट्रा वगैरह आपको कितना टाइम क्या मिलता है किन चीज़ों का आपकी uh, क्या कह सकते हैं मेंटल केपेबिलिटी वो सारा आपको एनालाइज़ करना है आपको समझ के लेना है उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए कौन सा लेक्चर लेने चाहिए या फिर ऐसा कि कुछ मैं सेल्फ स्टडी करूँ कुछ लेक्चर या सारा ही सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा किसी को शायद अगर उनको अफोर्ड नहीं होता है तो और जिसको अफोर्ड होता है वो डेफ़िनेटली लेक्चर्स को दे मैंने उसको हाईलाइट इसलिए किया है कि एज एन एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट अगर मान लो आप कोई और दूसरा सी ए या सी एम ए जैसा कोर्स नहीं कर रहे हो जहाँ पे प्रैक्टिकल ऑलरेडी कवर्ड हो तो आप तो सारे ही सब्जेक्ट के लिए लेक्चर लो अगर आपका बाय चांस वहाँ पर सारा कवर हो रहा है टैक्सेशन वगैरह तो फिर यहाँ नहीं लिए नहीं तो भी चलेगा तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो जो वो वाले सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल उसका आप सेल्फ स्टडी करो और लॉ का सब्जेक्ट आप यहाँ पे जरूर लेक्चर्स लेना तो आई विल सजेस्ट लेक्चर शुड बी प्रायोरिटी इफ पॉसिबल क्योंकि आप यहाँ पे सारी चीजें सीखोगे जो आपको नहीं पता है प्रोफेशनल में यू कैन डू सम सेल्फ स्टडी बट हियर यू शूडेंट ट्राई अबाउट दैट ताकि आपका नॉलेज पक्का रहे बेस बन जाए अब दूसरा क्वेश्चन एक फॉर्म डिसीजन ऑफलाइन क्लासेस लू या वीडियो लेक्चर लू दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम कि ऑफलाइन क्लासेस में जाना तो आपको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा ऑफलाइन क्लासेस के बहुत एडवांटेजेस है लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है वीडियो लेक्चर्स के एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस भी है तो आपने चूज करना है ऑफलाइन लू या ऑनलाइन ओके सो फॉर्म डिसीजन लेना है ई की कोई तो भी करो या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ uh, के लिए ऑफलाइन करो कुछ के लिए वीडियो लेक्चर दैट्स अप टू यू नाउ विच फैकल्टीज डू यू वांट एकदम क्लियरली देख लेना कि हाँ ये टीचर से मुझे पढ़ना है बस आपने ले लेना है इसलिए ले लेने लेक्चर अगर आप लेक्चर ले रहे हो या फिर ऑफलाइन में जा रहे हो तो उन टीचर्स के अगर यूट्यूब पर वीडियोज ऑलरेडी है तो वो देखो अलग अलग टेलीग्राम पर ग्रुप्स मिलते हैं वहाँ पर जाके इंक्वायरी करो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है ऐसा पूछो फाइनली अगर ये करो फिर फाइनली अगर आपको लगा कि हाँ ये टीचर अच्छे है या फिर ये फैकल्टी अच्छी है तो इनके लेक्चर मुझे लेने चाहिए बिकॉज एट सम पॉइंट आप बेस्ट टीचर को भी लोगे तो आप रिग्रेट करोग क्योंकि एक बेस्ट टीचर भी होगा तो शायद वो उस सब्जेक्ट को बहुत लंबा पढ़ा दे और आपको उस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो यू माइट रिग्रेटेड लेटर लाइक अच्छा पढ़ाते हैं बहुत अच्छा ग्रेट है बट मेरे लिए इतने लंबे लेक्चर्स देख पाना या फिर ये सारी चीज़ें नॉट पॉसिबल मुझे तो दोनों ग्रुप्स देने हैं और वो मेरे से कैसे होने वाला है नाउ कमिंग टू स्टडी एनालिसिस ये पार्ट है विच यू केम टू दिस वीडियो फॉर ओके तो मैं सबसे पहली चीज़ बोलूँगा अगर मान लो आप लेक्चर ले रहे हो सेल्फ स्टडी कर रहे हो वॉट एवर आपका लेक्चर हो गया सेल्फ स्टडी हुआ self -study तो आपको बनाने हैंड रिटन नोट्स हाईलाइट इसीलिए किया है ना उस मेरे हिसाब से उस चीज़ की इम्पोर्टेंस इज़ सुप्रीम लाइक हैंड रिटन नोट्स अगर आपके है तो आपको एग्जाम क्लियर करना इज लिटिल मोर एफिशियंट देन अदर्स बिकॉज सुनो इलेवेन्थ ट्वेल्थ तक की बातें अलग है क्योंकि तब इतना कंटेंट ज़्यादा नहीं था अभी सोचो आपके मॉड्यूल की साइज देख लेना अगर आपको कोई क्लासेस नोट्स जो प्रिंटेड होते हैं उनके वो अलग से भी प्रोवाइड करे तो देर इज कि वो इतने जो डिफिकल्ट टर्म्स होते हैं उसमें जो डिफ़िकल्ट सेंटेंस फ्रेमिंग होगी सारी चीज़ें और सबसे बड़ी बात की वो कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा तो उसको दिमाग में फिट करना मुश्किल है हैंड रिटन नोट्स आर द सोल्यूशन फॉर इट अब कैसे बनाने आपको अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग तरीकों से अगर जरूरत पड़ी तो आप कमेंट कर देना आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट इट तो हैंड रिटन नोट्स कैसे होने चाहिए वो बता दूंगा तो। लेकिन आपको तो आइडिया होगा ही कि अलग अलग प्रकार से बनते हैं आप यूट्यूब पे किसी टीचर्स के ढूंढ लो दो तीन आपको एक आइडिया आ जाएगा कि, कि किस तरीके से कंसाइज नोट्स बनाते ओके यहाँ पे ख़त्म फिर अगला है ये वाला पॉइंट वीकली रिविजन ऑफ टॉपिक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज अब मैं डेली रिविजन इसलिए नहीं बोल रहा मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप दोनों ग्रुप दोगे तो पहले उसका सोल्यूशन देता हूँ मैं वीकली रिविजन ऑफ टॉपिक्स मतलब हफ्ता खत्म हुआ तो संडे के दिन जितना मैंने छह दिन पढ़ा है उसका एक क्विक रिविजन होना चाहिए यह हैंड रिटन नोट से करना अगर हैंड रिटन नोट्स बनाए तो जरूर उसी से करना आप कितना भी बोलो मुझे नहीं आते हर बच्चा बना सकता है हैंड रिटन नोट्स इट्स पॉसिबल तो उसी से करना ताकि जल्दी से हो जाए। आपको पूरे हफ्ते का दिमाग अगर अब कमिंग टू ऐसे बच्चे जो एक ग्रुप दे रहे उनके लिए ये सजेशन है कि वो डेली रिवीजन करें। उनके पास टाइम हो तो अगर नहीं है मान लो आप जॉब भी कर रहे हो साथ में तो आप संडे के दिन कर सकते हो दैट इज वेरी सिंपल लेकिन रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप थोड़े थोड़े टाइम पर रिवीजन करते हैं ना आपका छोटा छोटा काम है वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठता रहता है और बाद में जब फाइनल रिवीजन को जाओगे अरे हाँ मुझे ये याद है ये मुझे याद है आप ऐसे बोल पाओगे फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम टाइम टू टाइम आई एम नॉट सींग पास्ट पेपर पर जाके देखो वगैरह आपको जनरली भी मॉड्यूल के एंड में मॉड्यूल uh, के हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चन मिलते हैं यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अब सॉल्व कैसे करने सर अब सिंपल सा सॉल्यूशन ये है सॉल्व करने का आंसर मतलब आंसर यानी कंटेंट पढ़ो आपके हिसाब से क्वेश्चन को जैसा लिख पाओ लिखो यहाँ पे आप दिमाग मत लगाओ कि उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए या फिर उसमें कंटेंट सही है कि नहीं बस लिखो प्रैक्टिस करो जितना कंटेंट आप मीनिंग उसका ले पाओगे वर्ड्स नहीं मैच हुए तो चलता है लेकिन लिखो राइटिंग प्रैक्टिस मेक्स यू मोर एफिशिएंट तो रिमेंबर दैट आस्किंग क्वेरीज इज इंपॉर्टेंट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि क्वेरीज यानी क्वेश्चंस पूछो क्यों अब क्वेश्चन आप सिर्फ टीचर से ही पूछ सकते हो क्या नहीं आपके पास गूगल है अब गूगल पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं लॉ का एकदम ऐसा इंटरप्रिटेशन पे के लिए मत जाओ बट नॉर्मली नॉर्मल चीज़ें जैसे वर्ड्स के मीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आप वहाँ से पूछ सकते हो या फिर मान लो पार्लियामेंट के बारे में कोई पॉइंट होगा और आपको उसके बारे में और जानना है तो करो तो इससे क्या होगा आप अपने मन से जो क्यूरियोसिटी ला कोई नॉलेज को उस अदर एंगल से देखना चाहो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी फिर मोबाइल डिक्शनरीज को यूज़ करो और वोकेबेलरी को एनहांस करो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की इंग्लिश कच्ची होती है इसलिए वो एग्ज़ाम में सही से नहीं सब याद होता है कुछ कुछ बच्चों को बट लिखे कैसे हाउ डू आई स्टार्ट आंसर मेरे तो इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेमिंग ही नहीं वो उसी में थक जाते है तो डिक्शनरी इस्तेमाल करो जब भी आपको एक मॉड्यूल में या फिर जो भी नोट्स है उसमें ऐसा वर्ड दिखे जो आपको पता नहीं है बिल्कुल तो उसके लिए डिक्शनरी देखो और वोकेबेलरी एनहांस करो ताकि आप एक सेंटेंस फ्रेमिंग सही कर पाओ वर्ड्स मिले आपको आपका आंसर लिखने के लिए नाउ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑन टेक्स्ट बुक राइट यूजिंग पेन आपका एक मेन काम होना चाहिए अब मैं ये जो भी पॉइंट बता रहा हूँ ये कीप इन माइंड कि मैंने एक्चुअली किया है सर so, इतना सारा इतना सारा वो लगने में है लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ को एडअप करते जाओगे ना ये कुछ इतना भी बड़ी चीज़ नहीं है अब आगे अब एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक पे लिखना आपकी ये मान लो टेक्स्ट बुक का पेज है या ऐसे बीच बीच में ऐसा सारा लिखा हुआ है तो इसके साइड में मान लो इसका कुछ तो भी ऐसा मतलब है आप अपने हैंड रइटिंग में कुछ तो भी लिख दोगे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो थोड़ी जगह तो अगर कोई चीज़ ऐसी डिफिकल्ट है जो आपको बाद में याद नहीं आएगी उसको हिंदी में मराठी में आपके जो भी लैंग्वेज में लिखना है फिर इंग्लिश में ही सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पे उसका मीनिंग लिखने की कोशिश करो कम से कम शब्दों में क्योंकि जगह कम होती है तो उससे क्या होगा आप बाद में वो चीज़ पढ़ोगे समझेगा नहीं उससे बेटर है कि आपके पास उसका एक एक्सप्लेनेशन वहाँ पे हो ताकि जब बाद में भी पढ़ो तो आपके दिमाग में वो क्लियर रहे नाउ डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ नेगेटिवली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब ये स्टडी में कैसे आ गया सर स्टडी एनालिसिस में वॉट हैपन्स वेन यू आर स्टडी आप uh, क्या करते हो अपने फ्रेंड्स से पूछोगे किसी का देखोगे कोई यूट्यूब पे क्या कर रहा है यहाँ पे वहाँ पे ग्रुप्स पे और कोई बोल देगा अच्छा चल रहा है और आपका इतना प्लान्स वगैरह सही से नहीं चल रहे आपका तो दिमाग ही फट जाता है लाइक अब मैं कैसे करूँगा मेरा तो क्लियर ही नहीं होगा तो कुछ कंपेयर मत करो हर कोई अपनी अपनी ज़मीन में धसा हुआ है हर किसी के पैर गड़े हुए हैं सही से नहीं चल रहा कोई भी सबकी प्रॉब्लम्स है बट आपको ये ध्यान देना है कि आपको फोकस करके आगे बढ़ना है तो कंपेयर तो बिल्कुल ना करना और एनी अदर थिंग्स आपको जो सही लगा अब यही करना ऐसा नहीं अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे जो लिखने ज़रूरी है मतलब जैसे कलर्ड पेंस का इस्तेमाल करो नोट्स बनाने के लिए थोड़ा सा ताकि आपको मतलब वो टेम्पररी वो जब रिविज़न करो तब वो अच्छा लगे थोड़ा सा फिर दूसरी चीज़ हाईलाइटर्स का इस्तेमाल करो बच्चे वो इस्तेमाल नहीं करते और फिर स्टिकी नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी आपको सही लगे वो करो अब मैंने साइड में कुछ लिखा है यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस फ्रेमिंग इम्पोर्टेंट है आपकी वो करो और फोकस ऑन कंसेप्ट फर्स्ट मतलब आप कंसेप्ट पे पहले ध्यान दो कोई चीज़ पढ़ रहे हो हाँ ये डिफ़िकल्ट लग रही है तो उस डिफिकल्ट लगने पे बाद में ध्यान देना सबसे पहले कंसेप्ट समझो क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्ट है तो एज अ सीअर्स आपको बाद में बहुत हेल्प मिलेगी बट आपके पास कंसेप्ट नहीं है बस आपको वर्ड्स पता है लेकिन मीनिंग नहीं पता तो फ़ायदा नहीं तो कंसेप्ट पे ध्यान दो और लिसन टू द टीचर अगर आप टीचर्स को फॉलो करते हो जो भी तो प्लीज़ उनकी बातें मानो जो भी टीचर्स के आपने लेक्चर्स कर दिए वो अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो फॉलो करो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रस्टिंग योर टीचर मेक्स वॉट दे से स्टिक मोर इन टू योर ब्रेन अगर वो कुछ कहे तो आपको विश्वास होगा कि जो मेरे टीचर्स बता रहे जो भी पढ़ा रहे वो तो सब सही है तो दैट्स वाई ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट अब अब बोलोग सर वॉट शुड बी द रूटीन अब मैं अपने हिसाब से बताऊँगा ऑफकोर्स इसमें थोड़े बहुत आप अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो छः से सात घंटे सोना इज सफिशंट मैं एक्चुअली छः घंटे बाद में सोने लगा था मैं कुछ पीरियड तो कैसा था आठ घंटे तो बहुत जरूरी है बट लेटर ऑन मेरी जो फैकल्टी उन्होंने मेंटरशिप सेशन ऐसा करते हैं तो वो उन्होंने बताया था कि सिक्स आवर्स वुड बी सफिशियंट अगर आपको दोनों ग्रुप्स देने हैं साथ में तो एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है अगर आपके पास टाइम नहीं होता आप उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो सिक्स आवर्स इज सफिशेंट आप खाना वगैरह खाना एक्सरसाइज उससे आपकी बॉडी फिट रहती है उसके भी पॉइंट्स है तो छः सात घंटे इज सफिशेंट तो आ, मैं तो ऐसा भी सजेशन दूंगा एक भी ग्रुप दे रहे हो तो आठ घंटे से ऊपर मत छोना दैट इज मोर देन सफिशेंट आठ घंटे तो लेकिन छह घंटे से कम मत सोना और आठ घंटे से ऊपर मत सोना बीच का देख लो आप एट टू ट्वेल्व आवर्स की स्टडी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ़ ग्रुप अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो आठ घंटे दोनों दे रहे हो तो बारह या ज्यादा आप देखो कितना कर पा रहे हो आपके मतलब लेक्चर्स पे भी डिपेंड करता है लेक्चर्स का ड्यूरेशन कितना आपको सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देते आ रहा है वगैरह आठ घंटे एक ग्रुप को क्यों सर अब आप एक ही ग्रुप कर रहे हो तो आप ज़्यादा फोकस करो और बेहतर करने का मतलब छः घंटे ही पढ़ना ये तो उल्टा काम हो गया एक ग्रुप कर रहे हो तो बारह घंटे मत पढ़ो बट आठ तो घंटे पढ़ो आपके पास अगर टाइम है तो ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कीप योर बॉडी फिट एक्सरसाइज करो हेल्दी माइंड के लिए मेडिटेशन करो आ, आपको बहुत लोगों ने बोला होगा मोस्ट ऑफ़ यू करते भी होंगे कुछ कुछ बच्चे बोलते हो आई विल कीप माय हैंड्स ऑफ दैट सुनो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी फिट रहे क्योंकि पूरे टाइम में आप ऐसे ही बैठे रहोगे साथ में लेक्चर चल रहे होंगे या फिर कोई भी पढ़ाई करो बैठ बैठ के आपकी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी बैक पेन वगैरह बट एक्सरसाइज से आपकी बॉडी भी फिट रहेगी एग्जाम तक आप सारी चीज़ें सही से कर पाओगे क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं एग्जीक्यूटिव में था एंड आई डिडेंट डू एक्सरसाइज मच ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड और मुझे नीचे बैठना पड़ता था ऐसे हैंडराइट लिखने के लिए वगैरह तो तीन दिन तक ऐसा हुआ मेरे को सीरियस बैक पेन हुआ मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाया बस लेटा हुआ था दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज वगैरह करो बेसिक एक्सरसाइज कुछ नहीं दस से बीस मिनट एवरी डे इन द मॉर्निंग करो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे मेडिटेशन और एक्सरसाइज के सेशन दस मिनट मैक्सिमम मेडिटेशन कर लो मेडिटेशन शाम को कर लो अगर लगा तो और ट्वेंटी मिनट्स तो एक्सरसाइज तो करना ओके okay? माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी फिट रहेंगे हैव अ स्टडी प्लान फॉर ईच डे एंड सक्सीडिंग मंथ मतलब एक लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान रखो कि इतने टाइम में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है फिर उसके बाद में रिविजन के लिए प्लान का वो बाद में कर सकते हो लेकिन इतने महीने में करना है इतने दिन में मुझे इतने ये इतने लेक्चर्स होने चाहिए वगैरह ये एक बेसिक प्लान रखो एकदम माइक्रो में मत जाओ लेकिन एक बेसिक प्लान रखो इफ यू हैव अ प्लान कि मुझे तीन महीने में इतनी इतनी चीज़ें करनी हैं तो भले ही आपको तीन महीने दस दिन लगे वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें हो जाती बट इफ यू डोंट हैव अ प्लान आपको पता ही नहीं कि तीन महीने पंद्रह दिन बीस दिन हो गए चार महीने लग गए एक प्लान से आपको एक डेडलाइन मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके लिए कीप इट रियलिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने प्लान को रियलिस्टिक रखो आप उसमें इनफ ब्रेक्स ही नहीं डाल रहे हो आप उस प्लान को इतना रिजिड बना रहे हो कि अगर आपको कोई बीच में थोड़ा भी कुछ बोल दे कि आप उसमें नहीं बैठ पा रहे हो मतलब आपको कोई काम बोल दिया तो मेरी तो स्टडी चली गई ऐसा मत करो उसको रियलिस्टिक रखो आपकी लाइफ में नॉर्मली छोटी छोटी डिस्टर्बेंसेस आने वाली है उसके हिसाब से सोच के करो ना मूविंग अहेड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स अगर आपका कोई ग्रुप ऑलरेडी दिया था क्लियर नहीं हो पाया था तो जानो क्यों नहीं कर पा रहे हो अगर आप एक महीने हो गए आप कोई गलती कर रहे हो पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको एनालाइज करो समझो कि कहाँ गलती हो रही है इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो डोंट लेट इट बी कि है तो है अब कुछ नहीं कर सकते कोशिश करो आप लीजी हो तो जल्दी उठने के तरीके ढूंढो ट्राई करो थोड़ा थोड़ा जल्दी उठने के लिए डोंट लेट योर सेल्फ बी डिस्करेज वही एक पॉइंट मैंने ऊपर फिर से एक बताया कि नेगेटिवली कुछ मत लो अपने ऊपर और कंपेयर मत करो डिस्करेज मत होने दो कोई ना कोई आपके कुछ ना कुछ बोलेगा ऐसा होता है आपके रेल्टिव मिले तुम कंप्यूटर साइंस कर रहे हो क्या वगैरह ये सारी चीज़ें सी को बोल देंगे अरे सी तो सी सी तो ज़्यादा ऊपर होता है सी तुम सी क्यों नहीं कर रहे हो इतना ही डिफ़िकल्ट है तो हमने क्यों नहीं सुना ये सारी चीज़ों को ध्यान मत दो इट हैपन्स और इट विल ऑलवेज़ हैपन कैसे लोग बोलेंगे आपको तो आपको बस फोकस करना है कि आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो आपके गोल पे दो बिकॉज वंस यू अचीव यर गोल नो वन इज गन टू सेट है कंप्यूटर साइंस नो वन इज गोइंट से कोई तो बड़ा ही काम कर रहा होगा ये सोचेंगे बिकॉज ऑफ एनी वन कंटिन्यू टू ग्राइंड मतलब किसी की वजह से डिस्करेज ना हो और ग्राइंड करते रहो बी अकाउंटेबल अगर कोई गलती हो रही तो मान लो कि आपने किया कोई आपको बोल दे कि ये ये तेरे से गलती हो रही है मान लो आप फिजिकल क्लासेस में आपको टीचर ने बता दिया तो आप बोलोगे नहीं मेरा तो सही है सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं मैम ऐसे क्यों बोल रहे हैं डोंट गो दैट वे मान लो फिर खुद से एनालाइज करो क्या उन्होंने जो बोला था कितना परसेंट आपको सही लग रहा है फिर उस पर अमल करो मतलब कुछ करो उस पर ऐसा ही मत कि पड़े रहने दो कीप योर माइंड एट वेयर यू आर एन्जॉय वेन योर आउटसाइड एंड फोकस स्टडी वेन यू आर स्टडी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब कभी कभी क्या होता है आपको कोई बाहर जाने के लिए इन्विटेशन आ जाता है कि चलो यार एक बड़ी वेडिंग है वहाँ पे खाना मस्त मिलेगा एकदम फोटो मस्त निकलेंगे सब आप दुविधा में फंस गए आपको पढ़ाई करनी है या फिर आपको वो करना है अरे दो भी ग्रुप दे रहे हो ना इतनी भी पढ़ाई नहीं होती अगर आप डेली प्लानर के हिसाब से अच्छे से पढ़ाई करो सब कुछ मैनेज करो आपको टाइम होता है कि आप एक दिन का ब्रेक ले सको आप करो कोई बात नहीं होती है चलता है ब्रेक बट जब ब्रेक लो तो ब्रेक लो अपने माइंड को भी वहाँ से हटाओ कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई पे ध्यान देना है आपको ये नहीं सोचना है काश में वहाँ होता और जब आप वहाँ हो तो काश में भी पढ़ रहा होता इससे दूर रहो फोकस ऑन फोकस ऑन योर माइंड ऑन वन थिंग मेरे साथ हुआ था ऐसा चीज़ें होती है कि आपको बुरा लगता है जब आप पढ़ रहे हो हाँ सर कुछ बोल रहे आप ऐसे स्पेस आउट कर जाते हो खत्म आपको जो टीचर ने सामने बोला वो ख़त्म पता ही नहीं चला कि क्या बोलिए यार आप में यो होता है कि आप वीडियो को पूरा पीछे आधा घंटा तो करने नहीं वाले क्योंकि आज का तो टारगेट है तो रिमेंबर कि आपको ध्यान वहीं पे देना है फिर अगली चीज है ट्राई टू सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वॉट यू आर स्टडीन मो दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट क्यू अब आप समझो कि देर आर पीपल जो एक्चुअली एज अ सी काम कर रहे हैं उनको ये चीजें दिमाग में इसलिए ये रहती है क्योंकि उनकी रोजी रोटी डायरेक्टली डिपेंड करती प्रैक्टिकली वो चीज़ें कर रहे हैं उनको ये ज्यादा पता है तो अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो आप उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालो देखो वो कहाँ पे अप्लाई होता है अगर अफकोर्स हर चीज के लिए नहीं बट कुछ चीज़ों के लिए करो ताकि क्या होगा अगर कोई चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिल जाए तो आपको पता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं जाऊँगा तो मुझे इसका सोल्यूशन पता है वो कैसे पता है क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा था तो इसके अलग अलग चीजें मान लो अगर आपने किसी फॉर्म कोई फॉर्म बहुत रिपीट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल एम जी टी फोर्टीन ये फॉर्म बहुत रिपीट होता है तो आप क्या करोगे एम जी टी फोर्टीन कैसा दिखता है अगर आपके टीचर्स दिखाए तो वेरी गुड बट नहीं दिखा रहे तो आप एम सी ए डॉट इन जो वेबसाइट है उस पर जाओ आपको फॉर्म मिलेगा और मेक श्योर sure कि आप अडोबी में ओपन करो उसको ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में ओपन नहीं होता उसमें करो आपको दिख जाएगा फॉर्म ऐसे होता है फिर आपके दिमाग में फिट हो चुका है कि एम जी टी फोर्टीन सिर्फ रिजोल्यूशन के लिए कि आपने फॉर्म देख लिया नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस यहाँ तक हमने सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है उसकी बात की मैंने सब्जेक्ट एनालिसिस नहीं दिया बिकॉज ऑफकोर्स वो आपको आपके हिसाब से देखना पड़ेगा अब डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव मतलब ये रिविजन का पीरियड है आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस आपका टाइम कितना बच रहा है शायद किसी के पास तीन महीने होंगे किसी के पास एक ही महीना होगा पर तो एक महीना कैसे हो सकता है दो तीन तो महीने होंगे ना बेटा कुछ बच्चों को काम बहुत हो जाते हैं कि करना पड़ता है फैमिली वगैरह की वजह से होती है सिचुएशन या फिर कोई ऑलरेडी एडल्ट होगा ट्वेंटी नाइन थर्टी वो ऑलरेडी काम कर रहे तो उनके हिसाब से भी क्या करना पड़ता है उनको वो टाइम उधर देना पड़ता है तो अगर कम टाइम है तो उसके हिसाब से कम टाइम का प्लान बनाओ लेकिन एक प्लानर रखो रिविजन का तो सबसे पहले फर्स्ट डिटेल रिविजन का प्लान बनाओ और एक सेकेंड समरी कि पहले तो मेरी एक डिटेल रिविजन होनी चाहिए और एक, उसके बाद में एक समरी क्योंकि डिटेल रिविजन अगर करोगे तो आपको क्या पता चलता है कि आपसे कुछ कुछ गलतियां हुई वो भी सुधार पाओगे आप ओके कि मेरी तरफ से सजेशन सुनो ये जो आपने सिंपल फॉर्मेट रखोगे ना तो सिंपली सब कुछ हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्लिकेट करोगे तो आप ही भूल जाओगे आपने प्लान क्या किया हमारा पहला प्लान क्या था कि मंडे सैटरडे पढ़ो और संडे को समरी में रिवीजन करो सेम यहाँ पे भी कर लेना डिटेल रिवीजन मंडे टू सैटरडे राइक एक एक वर्ड के एक एक वर्ड फिर से पढ़ना अब इस बार ये एक एक वर्ड पढ़ना बहुत जल्दी हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी आपने वो अच्छे से कर लिया अब नाउ इट्स टाइम कि आप संडे को समरी रिविज़न करो कैसे करोगे आपके हैंड रिटन नोट्स से और मंडे टू सैटरडे आप अपनी टेक्स्ट बुक से करो या फिर अगर आपके हैंड रिटन नोट्स ही एक्स्ट्रा सुप्रीम डिटेल्ड है तो आप क्या करना उन्हीं से कर लेना आपकी मर्जी नाउ टोटल फोर टू सेवन रिविजन थ्रू आउट होंगे आप शुरू से सोचो आप डेली थोड़ा ओवरव्यू करो सकते हो या फिर आप वीकली हर बार रिविजन कर रहे हो नाउ ये रिविजन आएगा फिर फिर से एक रिविजन होगा और मोस्ट प्रोबेबली आप जो भी फैकल्टी से पढ़ोगे फिर सेल्फ भी कर रहे हो तो आपको मैराथन मिलेंगे यूट्यूब पे आपको शायद उसके रिविजन सीरीज uh, मिल जाएगा तो ये सारे करोगे तो कम से कम चार से सात डिपेंड करता है आप कितने देखते हो हो ही जाएंगे रिवीजन और उतने होने चाहिए चार तो कम से कम होने चाहिए आपके तो एग्जाम तक आपको कंटेंट ये इसीलिए नहीं करना है बस एग्जाम में लिखने के लिए चार बार रिवीजन से ये सोचो कि आपको एग्जाम के बाद में भी वो चीज़ें रिटेन रहेगी नाउ मेरी तरफ से एक सजेशन यू कैन ट्राई मेकिंग ऑडियोस फॉर रिवीजन टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट के लिए अब प्रोबेबली आपको उतना याद ना रहे तो मैं क्या करता था मान लो सेक्शन फोर्टी फोर ए वो ए बी वगैरह जो थे प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन उन तीन के लिए मैंने एक ऑडियो बनाया ऐसे बहुत सारे किए थे मैंने तो ऑडियो बनाया कैसे ऑडियो बनाया था अपने हैंड रिटन नोट से हिंदी में पढ़ना है उसको आप इंग्लिश में कॉम्प्लिकेट नहीं करना अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो करो हाँ बट लेकिन आपको इंग्लिश अच्छी नहीं है मान लो तो हिंदी में ही करना उसको हिंदी में एकदम ऐसे क्विक रिविज़न कैसे करते हो आप वैसे पढ़ना और ऑडियो बना लेना ऑडियो में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी अब जब भी खाली बैठे हो आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ईयरफोन डाले सुन रहे हो बस ऑडियो को ऑडियो भी सुनने में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती है क्योंकि आप बस वर्ड्स पे ध्यान दे रहे हो ओके मेक करेक्शन इन नोट इफ नीड भी मान लो आपने नोट्स बनाए थे बट एक टाइम आ गया आप जब डिटेल रिविजन कर रहे हो आपको पता चला ओ माई गॉड ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है नोट्स में उसको सुधारना पड़ेगा तो करो ऐसा मत मतलब करो हाँ रहने दो अभी मुझे समझ चुका है ना बाद में आएगा यही नोट्स एक दिन पहले आप इस्तेमाल करोगे तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मिस्टेक थी तो मिस्टेक्स को सुधारो ना कीप प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम पास पेपर और स्कैनर वैसे मैंने अपने टाइम पे स्कैनर्स नहीं किए थे बट आ, आपको अगर अफोर्ड आ, हो सकता है तो जरूर करना पास पेपर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू स्कैनर्स एडिशनली कर सकते हो वाई पास पेपर बिकॉज उससे आप इसलिए नहीं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आने लें यू गेट द आइडिया ऑफ एग्जैक्टली हाउ दीज क्वेश्चन आर दैट आर गोइंग टू बी आस्ट इन द एग्जाम अब पास पेपर में आपको मतलब आंसर्स पता चलेंगे कि छोटे बड़े ऐसे वैसे प्रेजेंटेशन कुछ कुछ का पता चलेगा प्रेजेंटेशन आपने आपके हिसाब से सोच के चलना है कि इसी तरीके के फॉर्मेट में मैं अपने आंसर्स लिखूंगा हर आंसर को मतलब अलग ही प्रेजेंटेशन कभी मैं बहुत नीट लिख रहा हूँ कभी ऐसा नहीं एक फिक्स प्रेजेंटेशन रखू पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम पिछले फोर तो देख ही लेना पिछले फोर अटेम्प्ट ज्यादा देख पाए तो बहुत अच्छा लेकिन मिनिमम में फोर सजेस्ट करता हूँ तो आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि किस तरीके का होता है ऑफकोर्स पैटर्न यानी ये नहीं कि वो क्वेश्चन आने वाले पैटर्न यानी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डू नॉट पैनिक कीप कम इट्स अक्टिक पीरियड मैं आफ्टर एग्जाम की बात कर रहा हूँ आपको इतना रिविजन करना है लेक्चर्स वो समरी में आ रहे हैं मैराथन आ रहे हैं सब बहुत हेक्टिक पीरियड है तो यू शुड नॉट पैनिक कीप काम कि मुझे याद नहीं हो रहा है मैं लिख नहीं पा रहा हूँ व टू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो रिविजन करते रहो यू विल एंड अप्रेट इन दब एग्जाम दोगे बट अगर पैनिक कर दिए तो कुछ नहीं होने वाला इफ यू आर नॉट पैनिकिंग यू आर फोकसिंग तो आपकी टेन परसेंट प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है टू नॉट चेंज नोट्स ट्रस्ट यूर हैंड रिटन नोट्स फॉर वन डे बिफोर एग्जामिनेशन तो एक दिन पहले आप रिविजन करते हो एग्जाम के तब भी ये याद रखना है कि आपको आपके नोट्स को चेंज नहीं करना है आपके नोट्स एक बार अगर आपके लेक्चर सारे खत्म हो गए आपको डिटेल रिविजन करना है अनलेस एंड अनटिल आपके नोट्स बहुत ही घटिया बन चुके हैं और आपको चेंज करने की जरूरत है तब कर सकते हो बट आई डोंट सजेस्ट नॉर्मली कि आप सजेस्ट करो चेंज करो बिकॉज वो नोट्स आपके बहुत जरूरी है बिकॉज यू ऑलरेडी नो वॉट इज रिटर्न देयर नाउ जब आप उसे रिवाइज करते हो तो आपको जल्दी रिविजन होता है और आपको कंसेप्ट जो कंटेंट है वर्ड्स भले ही याद ना हो एग्जैक्टली exactly, जो एकदम लॉक के वर्ड्स बट कंसेप्ट और कंटेंट आपके दिमाग में बैठा है आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना है टू यूज दैट वर्ड ना तो चेंज तो मत ही करना ये बेस्ट सजेशन है मेरी तरफ से तो फिर ड्यूरिंग एग्जाम अभी एग्जाम पीरियड चालू हो चुका है अगर यहाँ तक आपको मतलब ऐसा है कि हाँ यही तक देखना था तो यू कैन लीव द वीडियो बट अगर आपको कंटिन्यू करना है आपको एग्जाम पीरियड का भी देखना है तो आप देख सकते हो इट्स अप टू यू ना ट्राई नॉट टू गेट टेंस कीप योर ब्रीदिंग नॉर्मल एंड श्योर यू हैव योर बेसिक एग्जाम किट अब किट से मेरा मतलब आपकी बॉटल होनी चाहिए पानी की हैंकर चिप होना चाहिए हॉल टिकट होना चाहिए स्टेशनरी रिस्ट वॉच एट्सट्रा ये सारी चीज़ें नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे टाइम में ना वी फॉरगॉड की अरे यार मेरे में बॉटल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बीच में प्यास इतनी लग जाती है एग्जाम के टाइम पे पसीने आने लग जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए रिस्ट वॉच टू तो चेक द टाइम कि कितना टाइम बचा उसके हिसाब से आपको एंसर स्पीडअप करना वगैरह ये सारी चीज़ें नाव टेंसअप नहीं होना मतलब टेंशन मत लेना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आए यू हैव टू कीप द ब्रीदिंग नॉर्मल इफ यू ब्रीद वेरी शॉर्टली ऐसे मतलब छोटे छोटे तो आपका ऑक्सीजन बॉडी में कम होता है आपको ज़्यादा ये होने लगता है तो ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग रखना ओके नाउ डोंट स्टार्ट राइटिंग फॉर फाइव टू एट मिनट्स जो स्टार्टिंग के एंड स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू नो इज़ बेस्ट अब ये बोलना बहुत आसान है करना थोड़ा टफ है बिकॉज अगर आपने एग्जाम के पहले प्रैक्टिस किया तो ये आसान है बट अदरवाइज नहीं पाँच आठ मिनट क्यों स्टार्ट ना करें हमारे पास तो आंसर है पता है मैं लिख सकता हूँ इसलिए पूरा पेपर पढ़ लो आपको ये देखना है मुझे बेस्ट कौन सा आता है आप पहला पढ़ोगे मुझे अच्छा आता है बट आप दूसरा पढ़ो अरे ये तो मुझे उससे भी अच्छा आता है तो ऐसे सिचुएशन के लिए तो पाँच आठ मिनट अच्छे से पढ़ो आपको थोड़ा सा एकदम जब आप एकदम फर्स्ट टाइम पेपर लेते हो नर्वसनेस आपके अंदर बहुत होती है आप थोड़ा सा इससे तेज़ी तेजी से हो जाता है आपके बॉडी में तो आपको ये ध्यान देना है कि उतने मिनट आपकी बॉडी काम हो जाएगी उसके बाद जब लिखोगे तो आपके हैंडराइटिंग कंसिस्टेंट आएगी है। स्टार्टिंग में शायद आपके हैंडराइटिंग अजीब आए है और बाद में कंसिस्टेंट हो ऐसा होता है मेरे साथ भी हुआ था बट मैनेज हो जाता है बाद में तो इसलिए मैं बोल रहा से आठ मिनट का गैप रखो नाउ एनश्योर टू अटेम्प्ट हंड्रेड मार्क्स आपको कुछ भी करना है बट हंड्रेड मार्क्स का अटेम्प्ट करना है एटलीस्ट ट्राई तो करो यार मतलब आप ये बोलोगे सिक्सटी मार्क्स का लिखा लेकिन क्या लिखा मतलब जबरदस्त ये गलत बात है आपने हंड्रेड मार्क्स की कोशिश करो आपको कंटेंट आता नहीं याद नहीं आ रहा है बट वो जो पढ़े आपने क्वेश्चन पढ़ के आपका दिमाग इतना तो खाली नहीं ना कि कुछ भी नहीं लिख सकते तो कुछ तो लिखने की कोशिश करो मान लो क्वेश्चन आठ मार्क्स का आपको कुछ नहीं आता छोड़ने से अच्छा उसको आधा ही पेज का लिख दो एटलीस्ट वो लिखोगे शायद उसमें कुछ लॉजिक होगा तो एक मार्क मिलेगा और एक मार्क की हिम्मत वही जानता है जो एक मार्क से फेल हुआ है समझे सो इवन इफ योर हैंड्स आर गिविंग अप अरे आपके हाथ भी टूटने लग जाए ना वहाँ पे रुको मत लिखो बिकॉज यू विल रिग्रेटेड अगर आपका एक मार्क्स छूट गया हो अगर मार्क्स अच्छा है तो शायद आपका रैंक भी एक मार्क्स से छूट जाए ऐसा होता है ओके तो हंड्रेड की कोशिश करना ही करना है मान लो आपके एग्जाम के पहले भी आप अगर ऐसे कोई प्रैक्टिस करते हो कहीं से आपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन किया है तो एंश्योर क्यों करो और टेस्ट सीरीज़ के भी जब भी आंसर लिखते हो ना तो एक ऐसा ही सजेशन है जो आता है उसको खुद से ही लिखो जैसा हो पाए लेकिन कभी कभी ऐसा ना मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता जीरो आता है तो खुद से लिखने से अच्छा ना थोड़ा बुक का सहारा लिया करो ऐसे में तो क्या होगा आपका मतलब वो ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम क्वेश्चन लिख देते बाद में हम आंसर मॉडल आंसर देखते नहीं तो ऐसे केसेस में आप ये करा कर करो तो आपको विन विन सिचुएशन रहेगी डोंट डिस्कस द पेपर अरे एग्जाम के बाद है ना छोड़ दो गैप खड्डे में फॉरगेट अबाउट द पेपर वंस वन डन हाँ लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पेपर में जो नॉलेज आपका था वो जो आपने एक दिन में इतना याद किया सालों से मतलब सालों से तो नहीं बोल सकता डिपेंड एक साल से छः महीने से आठ जो भी होगा उतने में इतना पढ़ रहे हो आप वो बस ऐसे वेस्ट नहीं उस पर ध्यान देना उसको वेस्ट नहीं जाने देना है तो पेपर को डिस्कस मत करो भूल जाओ कि पेपर आपने आपका कैसा गया बस मैंने लिखा आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस कि मैंने अटेम्प्ट किया है अब मुझे फोकस कहाँ पे करना है हंड्रेड परसेंट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम पूरा फोकस आपकी अगली एग्जाम पे होना चाहिए कि अगला पेपर कौन सा है उस पर फोकस भूल जाओ पेपर के साथ इफ़ यू ट्राई आपका मान लो एक सेक्शन भी गलत हुआ होगा जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट थे आपको बाद में पता चला आपका माइंड कम से कम पंद्रह से बीस मिनट तक उसी में सोचता है अरे यार, यार यो एग्जामिनर मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या मुझे वो मार्क्स देगा कि नहीं वगैरह बहुत थॉट्स आते हैं जो जिसका आंसर आपको घंटा पता नहीं होता बट आप टेंशन लेना शुरू कर देते हो ओके तो नॉलेज को याद रखना है बट पेपर कैसा गया क्या गया सब भूल जाओ किससे बात मत करो पेपर के बारे में कोई बात कर रहा है तो उससे दूर चले जाओ आपका दोस्त भी होगा तो उसका बोलना छोड़ देना भाई साहब मत करे सारी चीजें ना फाइनल चीज कि अब एग्जाम हो चुकी है तो उसके बाद एक्टिविटीज क्या तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया आप मेरे चैनल पर थोड़ा सा स्क्रोल करोगे तो मिल जाएगा तो इसमें क्या है एन्जॉय प्लस स्टडी मैंने सिर्फ स्टडी के बारे में बताया तो आपको फोकस करना है विन विन सिचुएशन यानी उस वीडियो का मैं जिस बता देता हूँ कि अगर आपके एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप दिए तो आप ये याद रखना कि प्रोफेशनल में एग्जीक्यूटिव की चीज़ें फिर से आने वाली है तो इफ़ यू स्टडी अब उस वीडियो में मैंने एग्जैक्टली exactly टॉपिक्स भी बताए थे आपको सजेस्ट किए थे अगर आप इसका एग्जीक्यूटिव का रिविज़न करते हो मान लो बुरा नसीब था एक ग्रुप या दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुए तो कुछ मार्क्स है तो आपकी ऑलरेडी रिविज़न ये हो चुकी है आप भूले नहीं हो कुछ अब आपको थोड़ा और रिवाइज करके एग्जाम डायरेक्टली देना है विन विन और अगर आप पास भी हो गए तो प्रोफेशनल में जब जाओगे तो यू विल थैंक मी यार सर सॉरी ये चीज़ें अभी आ रही है। मतलब एग्जीक्यूटिव में किया इसलिए प्रोफेशनल में थोड़ा और इजी जा रहा है एज कंपैरेटिवली अगर मैं नहीं करता या नहीं करती सो आई होप ये मेरी स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई है इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि जो मैं नहीं कर पाया बट आई शुड हैव डन ताकि मेरी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती तब क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है टेंशन आता है वगैरह ये सारे को हैंडल करना आपको आना चाहिए तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना वहाँ पर मैंने लिंक दिया है या फिर मैं कमेंट सेक्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड डू सजेस्ट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना आपको कोई सजेशंस हो या फिर आपको कोई वीडियो सजेशंस हो कोई भी टाइप के वो बता देना बाय बाय टेक केयर मिलते हैं